सबको, मीडिया के दोस्तों को, यहाँ जितने भी इस पार्क में ख्वातीन और हजरात हमारी बात सुन रहे हैं, बच्चे इस UC-34 से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ के रिहायशी, सबको अस्सलाम वालेकुम और सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। मैंने भी ये पार्क, ये ग्राउंड देखा है जब ये कचरे का ढेर था, और मेरे भी दो विजिट इधर हुए थे। यहाँ से गुजर नहीं सकते थे लोग, इतना बुरा हाल था, इतनी बदबू थी इधर। मुझे याद है यहाँ वाकई में खिड़कियाँ नहीं खोलते थे ये लोग। जब मैं यहाँ आया था तो मुझसे यहाँ ख्वातीन जो थी बुजुर्ग, वो लिटरली बैग कर रहे थे कि ये किसी तरह हमारी जान छुड़वा दें यहाँ से। मगर हमारे में इतनी उस वक्त कैपेसिटी नहीं थी कि हम ये काम कर सकते हैं। नीयत हमारी थी कि हमारा शहर है, हुसैनाबाद है, बिल्कुल ये सड़क इंशाल्लाह KMC का जो सेशन होगा उसमें हम इस सड़क का नाम हुसैनाबाद ही रखेंगे। अभी जैसा ही पहला इजलास होता है उसमें मैं अपनी तरफ से रेजोल्यूशन पेश करूँगा कि ऐसी कौमें कभी नहीं ख़त्म होती। मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ आज, ये बच्चों की आवाज़ें सुने आपको खुशी होगी। यहाँ दरख्त लगाएं, थोड़े से दरख्तों की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है दरख्तों की तो मेरे पास हैं दरख्त, मैं दे सकता हूँ, मेरे पास आ जाए, मेरे पास बहुत सारे दरख्त। यहाँ दरख्त लगाएं ताकि यहाँ साया भी हो किनारों पे, घास खराब ना हो उससे, मगर साया ज़रूर हो ताकि गर्मियों में फ़ायदा होगा। तो ये सब मिलके जब तक नहीं करेंगे नहीं होगा। मैं आपको वही बात है गिनवाने वाली, जो यहाँ काम हुआ है मुख्तलिफ सड़कों का, UC-34 के मुझे कोई 5-6-7 काम लिखवाएं जो कि 10-1 करोड़ रुपए खर्च हुए। KMC के ADP स्कीम के 10 करोड़ रुपए मैंने खर्च किए, और अल्लाह का शुक्र है, फख्र है कि सही पैसा यूटिलाइज किया मैंने, पैसा सही यूटिलाइज हुआ। बहुत बुरा हाल था यहाँ, मैंने खुद भी देखा है, मगर जो पानी का इशू रिजॉल्व हुआ, सड़कें अच्छी खासी बन गई हैं, वाटर बोर्ड के 2 इश्यूज हमने काम किया है, वाटर बोर्ड को ज़रूरत थी काम करने की मगर KMC ने किया है काम। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम हर चीज़ से बालातर होके काम करते रहेंगे। तो ये कायदे आज़म का शहर है, कायदे आज़म का मज़ार मौजूद है यहाँ, उनका घर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में हर मज़हब बोलने वाला होगा और ज़बान बोलने वाला होगा, उसको लेकर चलना है इस मुल्क को। तो हम फख्र महसूस कर रहे हैं कि ये शहर पूरे मुल्क को पालता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारा ताउन हमारे साथ किया इन्होंने, और इन्होंने हमारे ताउन से सारा काम किया, वकील जमात खानों के साथ मिलकर इन्होंने मिलजुल कर सारा काम किया है। रोड भी बना रहे हैं, पानी का सिस्टम भी इन्होंने सही किया, अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में पानी पहुँचा इस वक्त, मीठा पानी के लोग तरस रहे थे, आज अल्लाह का शुक्र हर घर के अंदर मीठा पानी। मेरे साहब को ये पैगाम देना चाहेंगे, जिस तरीके से ये हुसैनाबाद फेडरल एरिया के वाले से इन्होंने हमारी जमात के साथ ताउन किया, और ये इनकी वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कदम, हमारी जमात ने इसको एडॉप्ट किया और बेहतरीन तरीके से इसी दूसरे इलाके के मसाइल भी इस तरीके से हल करने की कोशिश करें। हम बहुत खुश हैं कि इतना अच्छा पार्क बनाया है जिसमें हम वॉक भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, और ना पानी और ना यहाँ बैठ भी सकते हैं और झूले भी खा सकते हैं, और बहुत कुछ अच्छा है इसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा पार्क बनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम महेश साहब का, वसीम अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें माशाल्लाह इतना अच्छा पार्क बना के दिया, और बाकायदा हमारे इलाके के अंदर 12-20 साल से पानी का प्रॉब्लम था, उन्होंने वो भी हल कर दिया। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और उनके बहुत खुश हैं इस काम से। मेरे साहब को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, हमारे मेम्बरों के इलाके में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा प्यारा पार्क बन गया, अल्लाह का खुश रखे, आभार रखें।